राज्य बनेगा। मंडल समाज झारखंड राज्य के लिए बहुत कुछ आंदोलन किए थे, हमारे कई नेता शहीद हो गए, कई लड़का शहीद हो गए, लेकिन हम लोग को सम्मान झारखंड में नहीं मिला। चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, सभी ने हम लोग को झंडा ढोया, कुछ काम नहीं किया। झारखंड सूरी समाज कल्याण समिति धनबाद के 6 विधानसभा में 4 विधानसभा सीट निरसा, सिंदरी, टुंडी और धनबाद में प्रत्याशी उतारेगी। समिति के जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मंडल ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि प्रत्याशी चयन में मंडल समाज को वंचित रखा गया। निरसा, सिंदरी, टुंडी और धनबाद में मंडल समाज बहुतायत में है। इतिहास गवाह है, सिंदरी विधानसभा जो कि लालगढ़ माना जाता रहा है, वहाँ फूलचंद मंडल ने जीत कर यह दिखाया कि मंडल समाज बहुतायत में है। अब समिति ने यह निर्णय किया है कि 4 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। समिति के महासचिव ने कहा कि भाजपा के 66 सीट पर प्रत्याशी की घोषणा की, पर एक भी सीट पर मंडल समाज ने प्रत्याशी नहीं दी, इससे मंडल समाज काफ़ी रोष में है। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मंडल, जिला महासचिव सैलन मंडल, जिला उपाध्यक्ष विजय मंडल, केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील मंडल, केंद्रीय उपाध्यक्ष नुनूलाल मंडल, युवा जिला अध्यक्ष राजेश मंडल, प्रकाश मंडल, रुपेश मंडल, उत्पल मंडल, विकास मंडल, प्रवीण मंडल, मनोज मंडल, राजीव कुमार, कलिया सोल प्रमुख विवेक मंडल, नगर अध्यक्ष मनिंदर मंडल, जिला कोषाध्यक्ष हिरण मंडल समेत अन्य उपस्थित थे। झारखंड राज्य बनेगा, मंडल समाज झारखंड राज्य के लिए बहुत कुछ आंदोलन किए थे, हमारे कई नेता शहीद हो गए, कई लड़का शहीद हो गए, लेकिन हम लोग को सम्मान झारखंड में नहीं मिला। चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, सभी ने हम लोग को झंडा ढोया, कुछ काम नहीं किया। आज इस तरह से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे मंडल जाति के लोग 4 विधानसभा में बहुत संख्या में हैं, निश्चित रूप से हम लोग इस 4 विधानसभा में हम लोग प्रत्याशी देंगे। आज 81 विधानसभा में एकमात्र हमारे विधायक थे फूलचंद मंडल, जो लाल झंडा का गढ़ था उसको कोई नहीं हरा सका, मंडल जाति के लोग फूलचंद मंडल ने उन्हें हरा दिया। और पुनः बीजेपी उनको टिकट नहीं दिया, तब झारखंड विकास मोर्चा से रहे और मंडल जाति के लोग वहाँ फिर जीते, फिर पुनः बीजेपी टिकट इनको दिया, फिर पूरा फूलचंद मंडल वहाँ से जीते। इसलिए मंडल जाति के प्रभाव बना है सिंदरी विधानसभा में, निरसा विधानसभा में, टुंडी में, इसमें हम लोग 4 प्रत्याशी अपने समाज की ओर से देंगे और ऐसे लड़का को देंगे जो समाज में कुछ काम किया है, झारखंड राज्य के लिए कुछ काम किया है, जो काम किया है वही लड़ने का है। और हम लोग को कोई भी समाज पार्टी के लोग हमारा सम्मान उस तरह से नहीं दिया, 24 साल में नहीं मिला, इसलिए हम लोग बाध्य होकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग झारखंड चुनाव लड़ेंगे, झारखंड का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारे कम से कम 4 विधायक हम लोग समाज की ओर से बनाएंगे। किस पार्टी से विधायक प्रत्याशी दीजिएगा आप लोग? झारखंड सूर्य समाज कल्याण समिति। अभी तो बहुत जगह प्रत्याशी घोषणा भी नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग अभी ऐसा कदम उठा रहे हैं, इंतजार करना चाहिए था। सिंदरी में हो ही गया, सिंदरी में हमारे जाति के लोग 3 बार विधायक बने हुए हैं, बीजेपी को हराए, बीजेपी से लाल झंडा को हराए हैं, सब कराए, बीजेपी भी नहीं दिया, बीजेपी को भी हराए, अपना मंडल जाति के लिए यहाँ विधायक बने हैं। इसलिए हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे, दमखम से चुनाव लड़ेंगे, आप जीत हासिल करेंगे। पूरा परिचय दीजिएगा अपना। हम खुद पार्षद वार्ड नंबर 21 और झारखंड सूर्य समाज कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष। नाम? प्रफुल्ल मंडल। और नेता लोग भी इसमें बलिदान हुए हैं, लेकिन सम्मान आज नहीं मिला। अतः आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करता हूँ कि हम लोग 4 विधानसभा में हमारा अपना मंडल समाज के प्रत्याशी को देंगे। वो हम लोग बूथ बार को तय करेंगे कौन कहाँ से लड़ेंगे मंडल समाज को। और इस बार हम लोग पुनः सिंदरी, टुंडी, पार्टी आगे अभी मंडल समाज को आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, क्या कुछ सही है? देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव 2024 अभी भाजपा द्वारा टिकट की घोषणा कर चुकी है। इसमें पूरे झारखंड में हमारा मंडल बहुल क्षेत्र बहुत सारा विधानसभा में है, लेकिन अभी 66 सीट पर उन्होंने घोषणा किया है और 66 सीट में एक भी मंडल का सूची में घोषणा नहीं हुई है। मंडल को वंचित किया गया है, शोषित किया गया है, जबकि आज मंडल जो बांग्ला भाषी भी है और भाजपा पर ही ज़्यादातर वोट करते हैं,
लेकिन इस पर पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं, जो पार्टी घोषणा नहीं की है उसको भी हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगर क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, अगर हमारा जाति पर सम्मान देगा तो हम उस पार्टी पर सम्मान देंगे, उस पर भरोसा करेंगे। अन्यथा चार विधानसभा जो धनबाद जिला में हैं, निरसा, टुंडी, धनबाद और छिंदरी, मंडल समाज की ओर से हम लोग प्रत्याशी देने का काम करेंगे और उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। चारों जगह भाजपा ने प्रत्याशी दे दिया, तो भाजपा के विरोध में आपको प्रत्याशी करना चाहिए? जी हाँ, अगर हमारा आवाज़ को अगर सुनता है, सुन के सम्मान देने का काम करता है तब ठीक है, और नहीं तो हम लोग भाजपा का विरोध भी काम करने के लिए रेडी है और हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे। क्या लगता है कि आप लोग विचार को मांग कर रहे हैं क्या भाजपा के तरीके से कि विचार किया जाए चार जगह में, आप लोग पूरी समाज से जगह भी दिया गया? मांग करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और अधिकार के तहत हम मांग कर रहे हैं। अगर हमको मांग उचित मिला तब ठीक है, नहीं तो हम लोग बुधवार के दिन 23 तारीख को हम लोग पुनः बैठेंगे और प्रत्याशी घोषणा करेंगे और नामांकन का दिन का भी घोषणा करेंगे। विधानसभा में दलित समाज की संख्या लगभग हम लोग चारों विधानसभा में लगभग 55 से 60 हज़ार एक एक विधानसभा में, सिंदरी विधानसभा में 55 से 60 हज़ार की संख्या में मंडल समाज के आदमी हैं, निरसा में लगभग 60 हज़ार और टुंडी में लमसम 52 से 55 हज़ार और धनबाद में 35 से 40 हज़ार की संख्या में मंडल रहते हैं और भाजपा को ही ज़्यादातर वोट करते हैं, लेकिन भाजपा द्वारा सम्मान नहीं दी गई। कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा आपके साथ छलने का काम किया है। जी हाँ, भाजपा छलने का काम किया है, उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। विधानसभा से आप लोग समाज के तरफ से किनको चाह रहे हैं? प्रत्याशी को नामांकित करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं तो उसका भी हम लोग सम्मान करेंगे। अपना परिचय बताएं। शैलेंद्र मंडल, झारखंड स्फूरी समाज कल्याण समिति महासचिव।